आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक टाइम लूप है, मतलब ये वाला नहीं ये वाला। वैसे इस थ्योरी को समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है। अच्छा, आराम समझ जाओगे तुम लोग। ठीक है, समझ गया। तो बैठ जाओ आराम से, कुछ खाने के लिए ले लो और कुछ पीने के लिए ले लो और शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पर किंग द कॉन्करर रहता है, यानी वो जो टाइम का कासल है, जो कि लोकी के फर्स्ट सीजन के 6 एपिसोड में हमें देखने को मिला था, उस टाइम कासल के अंदर जहाँ पर किंग रहता है वहाँ पर टाइम मैटर नहीं करता है। सेम ही चीज़ लागू होती है क्वांटम रियल्म के ऊपर। इसका मतलब यह है कि अगर क्वांटम रियल्म के अंदर कुछ होता है या फिर टाइम कासल के आसपास कुछ होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस टाइम में हो रहा है। वो 2001 में, 2022 में, 1998 में, 1480 में कभी भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली चीज़ तो हमें ये एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी कि जहाँ पर कैंग रहता है और कैंग जिस डोमेन का मालिक है उस डोमेन के अंदर टाइम मैटर नहीं करता है। दूसरी बात, हमने देखा कि टीवी जब उसने डिजाइन किया था तब टीवी भी इस बात को फॉलो करेगा कि टीवी के अंदर भी टाइम मैटर नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि जो इवेंट्स हम देख रहे हैं वो टीवी के पर्सपेक्टिव से पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। अभी आप ये मान के चलो कि 2008 में हमने आयरन मैन मूवी देखी थी, लेकिन टीवी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो 2008 का कोई मतलब नहीं है। मतलब आयरन मैन जो है वो उनके लिए एक न्यूट्रल टाइम स्पेस पे एग्जिस्ट करती है, वो कभी भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको पहले समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे ही हमने टीवी के अंदर शुरुआत होती हुई देखी थी और लोगी वहां पर पहुंचा था, जो 20 मिनट्स है वो एक्सप्लेन करती है कि मल्टीवर्सल वॉर जो है एक बार पहले हो चुकी है और जो टीवी है वो उसको रोकने का काम कर रहा था। Long ago, there was a vast multiversal war. Countless unique timelines battled each other for supremacy, nearly resulting in the total destruction of, well, everything. लेकिन जैसे कि मैंने पॉइंट 1 में कहा कि टीवी के अंदर तो टाइम मैटर ही नहीं करता है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो मल्टीवर्सल वॉर हुई है वो पास्ट में हुई है? देखा, अब मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझोगे आप। अगर किंग द कॉन्करर की हम ये बात मान लेते हैं और टीवी वालों की ये बात हम मान लेते हैं कि एक मल्टीवर्सल वॉर हुई थी, लेकिन ये मल्टीवर्सल वॉर हुई कब थी, कौन से टाइम में हुई थी, कौन से साल में हुई थी, क्या इसके बारे में कभी भी आपको मेंशन देखने को मिला है? द आंसर इज नो। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मल्टीवर्सल वॉर जो है ना, और जो टीवी ने वॉर रोकी थी, यानी किंग द कॉन्करर ने, ही हू रिमेंस ने जो वॉर रोकी थी ना, वो एक्चुअली में सीक्रेट वॉर्स थी, जो कि अभी एज अ ह्यूमन हमने नहीं देखी है और MCU के फ्यूचर में है। अब दोबारा सुनो, MCU का फ्यूचर है लेकिन टाइम तो टीवी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो MCU का फ्यूचर है, जो सीक्रेट वॉर्स मार्वल ने अभी अनाउंस की है किंग डायनेस्टी के बाद में, वो हो सकता है टीवी वाले ने ऑलरेडी देख रखी हो, किंग द कॉन्करर ने ऑलरेडी देख रखी हो, ही हू रिमेंस ने ऑलरेडी देख रखी हो, हमें नहीं पता। बस जब किंग द कॉन्करर जो है लोकी और सिल्वी से मिलता है, तब वो उनको स्क्रिप्ट देता है और बोलता है कि मैंने पूरा रास्ता बनाया है, तुम जब उस पर चल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। Can't kill me because I already know what's going to happen. किंग द कॉन्करर को ये बात कैसे पता कि सिल्वी और लोकी क्या करने वाले हैं? मतलब सिल्वी जब भी उस पर अटैक करती है वो वहां से गायब हो जाता है, और लोकी जब भी उससे कोई बात करता है उसको पता होता है कि वो क्या बोलने वाला है, क्योंकि वो ये सब ऑलरेडी देख चुका है। प्लीज, बहुत सारी वीडियो के अंदर मैंने आपको मेंशन किया है कि किस तरह से किंग द कॉन्करर एक ऐसा बंदा है जो कि टाइम के परे है। जो भी एवेंजर्स ने किया वो खुद ही अपने मुंह से बोल चुका है कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही हुआ है। और जब भी टीम की तरह ये बात हुई थी कि हाँ भाई कि एवेंजर्स ने क्या किया, तुमने क्या किया, उनको पता था कि ये एक प्री डिटरमिन्ड टाइमलाइन का एक रास्ता है और जहाँ पर सब लोग चल रहे हैं। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी एक्शन हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अभी तक देखे हैं वो सारे के सारे प्री डिटरमिन्ड थे और उनको डिटरमिन किया था किंग द कॉन्करर ने या फिर ही हू रिमेंस ने। अब जब मैं बोल रहा हूँ किंग द कॉन्करर, तो इसका मतलब क्या है? किंग द कॉन्करर का मतलब है कि किंग, ये नहीं कह रहा आप कि ही हू रिमेंस है, किंग द कॉन्करर है, रामा टट है, कौन सा वेरियंट है, इसके बारे में बात नहीं हो रही है, बट किंग द कॉन्करर के कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है। ये एक ऐसा बंदा है जिसने प्रीवियस मल्टीवर्सल वॉर को रोका था जब किंग के वेरियंट्स ने उनकी शुरुआत की थी, और एक्चुअली में यही जो मल्टीवर्सल वॉर है ना, ये अब आपको सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगी। और अब समझाता हूँ कि हुआ क्या है। जैसे ही सिल्वी जो है ना वो किंग द कॉन्करर को मारने वाली होती है, तो किंग द कॉन्करर बोलता है सी यू सून, इसका मतलब पता है उसको कि वापस से वो उसी जगह पर आने वाला है। और वो एक बात और बोलता है, वो बोलता है
कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ईविल हूँ, थोड़ा सा वेट करो, मेरे वेट से आएंगी जब तुम्हें पता चलेगा कि ईविल होता क्या है। और हमने एक चीज नोटिस करी, जैसे ही सिल्वी ने कैंग द कॉन्करर यानी कि ह्यूग रीवेंस को मारा, उसके बाद ही हमने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटम मेनिया के अंदर ऑफिशियल कैंग को देखा। लोकी की सीजन 2 के ट्रेलर के अंदर भी हमने कैंग को देखा, मतलब लोकी की सीजन 1 के एंड में। तो ऑब्वियसली मल्टीवर्सल वॉर की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। मल्टीवर्सल वॉर कौन शुरू करेगा? कैंग द कॉन्करर का वेरियंट। कौन से कैंग द कॉन्करर का वेरियंट? एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटम मेनिया वाला। जी हाँ, तो यानी ह्यूग रीवेंस ने जो बात कही थी कि मेरे मल्टीवर्सल वेरियंट से जो हमारी एक तरह से वॉर है वो शुरू की थी, वो एक्चुअली में अब चालू होने वाली है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कैंग द कॉन्करर जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। मतलब अगर सब कुछ एक टाइम लूप है और जो ह्यूग रीवेंस उसको पता ही है कि क्या होने वाला है, तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत क्या जब हुई थी? जब नेथन, जो नथानियल रिचर्ड्स था, जिसको नेथन कहा जाएगा एंटमैन 3 के अंदर, जब नथानियल रिचर्ड्स को ओलायत मिला, उससे सारे के सारे मल्टीवर्सल अपने बंदे थे उनसे मिला, उनसे बात की, उनके बाद वॉर हुई, फिर टीवी बना, टीवी के अंदर लोकी और सिल्वी आए, लोकी और सिल्वी ने हमारे ह्यूग रीवेंस को मारा, शुरुआत हुई कहाँ? तो इसका आंसर है शुरुआत कहीं हुई नहीं, बिकॉज इट्स अ लूप। ये एक सर्कल है जिसका कोई एंड और उसका कोई बिगिनिंग नहीं होता। अब एक चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे थोड़ा समझना। अब अगर ही ह्यूग रीवेंस मर गया है तो ही ह्यूग रीवेंस पैदा भी होना चाहिए अगर ये लूप को काम करना है तो। और अगर आपने ध्यान दिया हो, क्योंकि मैंने तो दिया था, लोकी की सीजन 1 के एंड में ना हम देखते हैं कि जो रवोना रेंसलेयर है उसको मिस मिनट्स जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, और जो रवोना है वो बोलती है कि मैंने तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी, लेकिन मिस मिनट्स बोलती है कि हाँ तुमने नहीं मांगी, लेकिन उसको लगता है कि तुम्हारे को काम आएगी। दिस इज व्हाट आई आस्क्ड फॉर, आई नो, बट ही थिंक्स दिस विल बी मोर यूजफुल। तो एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन क्या है? वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ और आपके कान और रॉक के दोनों खड़े होने वाले हैं। वो इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली में ही हु रिमेंस कैंग द कॉन्करर, ड्रामा टट, कुछ भी आप कह लो, उसका ओरिजिनल स्टोरी। जी हाँ, तो रवोना रेंसलेयर जो है ना, मेरे ख्याल से अब पास्ट में गई है, जहां पर जो हमारा ही हु रिमेंस था वो फर्स्ट वेरिएंट था, मतलब 31st सेंचुरी के अंदर वो गई है, क्योंकि अगेन टीवी के अंदर टाइम मैटर नहीं करता है। रवोना रेंसलेयर गई है नथानियल रिचर्ड्स के पास में, उसको वो इन्फॉर्मेशन देगी जो ही हु रिमेंस ने उसको दी है, जिसकी वजह से वो ओलायत को फाइंड कर सकता है और मल्टीवर्सल वॉर को रोक सकता है, जो ये है सीक्रेट वॉर्स। और अब आई गेस थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लग गया होगा, मुझे पता है, आई नो कन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि जब मैं सोचा था इस बारे में, मुझे भी लगा कि यार मैं ये चीज़ अपने फैंस को समझाऊंगा कैसे, आपको समझाऊंगा कैसे, लेकिन मैंने जैसे बोला कि आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग थोड़ा सा अगर सोचोगे तो जरूर समझ जाओगे। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि मल्टीवर्सल वॉर जो है वो रुकेगी कैसे, क्योंकि अगर ये सब कुछ लूप है तो कैंग द कॉन्करर दोबारा जिंदा होने वाला है, क्या एमसीयू वापस 2008 की आयरन मैन से शुरू हो जाएगा? जवाब है नहीं। इस बार जो है ना वो मल्टीवर्सल वॉर जो है वो टोटली डिफरेंट होने वाली है, जिसके ऊपर मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। मतलब होगी तो पूरी वॉर सेम सीक्रेट वॉर्स होगी जैसे पहले हुई थी कैंग द कॉन्करर के सामने, लेकिन उसका जो एंड होगा ना वो डिफरेंट होने वाला है, और वो एंड क्या होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा एक और वीडियो के अंदर। बेसिकली इस वीडियो का इंतजार काफी लोग कर रहे थे, मुझे पता है, और मैं बहुत एक्साइटेड इस वीडियो को बनाने में, इसलिए मैं टाइम लिया, रिसर्च करी, सब कुछ गैदर करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर इस वीडियो पे 3000 लाइक भी आप लोगों के नहीं आते हैं, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि 3000 लाइक तो आने चाहिए और 500 कमेंट तो आने ही चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ यार लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। अगर ये होता है 3000 लाइक और 500 कमेंट, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस बार जो मल्टीवर्सल वॉर होने वाली है उसका एंड कैसे होगा। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं हर बार ट्रू हुआ हूँ, इस बार भी बिल्कुल सही साबित होकर दिखाऊंगा। तो बट वेट करना, 3000 लाइक और 500 कमेंट कर देना, उसके बाद वो वीडियो भी आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और या थोड़ी बहुत ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूंगा जिससे आपके दिमाग में थोड़ा कुछ ना कुछ डालता रहूँ एमसीयू के लॉर के अकॉर्डिंग। तो हाँ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप नहीं हो तो, और लाइक कर देना, ऑब्वियसली आपको लाइक का एम जो है वो पूरा करना है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं हूँ सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।